हेलो गाइस, आज मैं दुर्गा मेला देखने सरायकेला आया हूँ। आज दशहरा का दिन है, तो चलिए मैं आपको दुर्गा मेला घुमा देता हूँ। सरायकेला में काफ़ी सुंदर दुर्गा मेला होता है और यहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी सुंदर भी बना हुआ है, जो कि पूरा पूरी सीमेंट से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि पंडाल वगैरह है, यहाँ का जो डिजाइन है काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए मैं उधर चलता हूँ धीरे धीरे। चलिए देखिए गाइस, आगे में जो बड़ा सा घर दिख रहा है वो जो पहले हमारे यहाँ के राजा रहते थे वो वही वाला घर है। और देखिए इधर भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए वो जो घर दिख रहा है उसी में पहले राजा रहते थे, हमारे सरायकेला के जो राजा हैं वही। और चलिए मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ, उस घर को थोड़ा अच्छा से मैं दिखा दूँगा। चलिए देखिए, ये वाला जो राजा घर है ये काफ़ी प्राचीन है और आप इसका डिजाइन देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका घर हो सकता है। देखिए जो सरायकेला के राजा रहते थे वो इसी घर में रहते थे। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, जो कि उधर स्टेज में प्रोग्राम हो रहा है वही वाला दिखाया जा रहा है इसमें, क्योंकि चारों तरफ से डिजाइन भी लगा हुआ है और दिखने में भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, क्योंकि काफ़ी भीड़ लग रहा है। ऐसे ही हम लोग का सरायकेला में जो है भीड़ काफ़ी लगता है। चलिए मैं सामने से जाके स्टेज प्रोग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ का स्टेज प्रोग्राम भी कितना सुंदर हो रहा है और वही है जो मंदिर, उसके बारे में बताया हुआ और उड़ीसा से आया हुआ डांस ग्रुप भी है, जो कि अपना डांस परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और डांस को देखने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और मंदिर का नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। और ये जो भीड़ है काफ़ी सालों बाद का भीड़ है, मतलब दो साल से जो है झूमर प्रोग्राम नहीं हुआ था जिसका वजह से इतना भीड़ नहीं था। तो दो साल बाद प्रोग्राम हो रहा है उसकी वजह से इतना भीड़ है। और ऐसा नहीं है कि दो साल बाद हो रहा है इस वजह से इतना भीड़ है, हमारे यहाँ हर साल इतना ही भीड़ होता है। जो दो सालों से बंद था उस वजह से नज़ारा कुछ और ही लग रहा है। और मंदिर को देखिए, मंदिर दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं धीरे धीरे चल के उधर झूमर प्रोग्राम जो है
वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए मंदिर का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है और इतना भीड़ देख कर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है कि जो अभी जितना भीड़ दिख रहा है ऐसा तो दोबारा नहीं होगा, अगले साल दुर्गा पूजा में होगा। चलिए इस भीड़ का थोड़ा मज़ा भी लेते हैं हम लोग, चलिए धीरे धीरे अंदर चलते हैं। और मंदिर भी दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए ऐसा मंदिर जो कि एकदम सीमेंट और ये सब बालू से बना हुआ है, और इसका जो मतलब जो पंडाल दूसरा लोग बनाता है उतना सुंदर नहीं बना पाता है, लेकिन जो ये वाला है काफ़ी सुंदर दिखने में लग रहा है। और ये काफ़ी प्राचीन है लेकिन उतना भी प्राचीन नहीं है, और यहाँ पर ये जो मंदिर दिख रहा है ये वाला भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो कि आप ऊँचाई देख के बता सकते हैं। पर एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो कि इसका प्रोग्राम हो रहा है वो चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है। तो चलिए देखिए भीड़ तो बहुत है और यहाँ आइसक्रीम वाला भी है, आइसक्रीम तो अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, तो चलिए हम लोग उधर चलते हैं। मंदिर कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, इतना भीड़ बाप रे, मतलब क्या बोलेंगे, इतना सुंदर लग रहा था ना। देखिए बाबुल माई वाला गाना भी बज रहा है, ये गाना काफ़ी मुझे पसंद भी है, और ऐसा गाना देखिए जैसे भीड़ में मज़ा आ जाता है और उधर आगे डांस भी करता है बहुत कोई। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ऐसा सुंदर सुंदर गाना वैसे क्या होता है कि जो लोग रहता है जो गाना का शौकीन रहता है वो झूम उठता है, डांस भी कर देता है। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं स्टेज की ओर। शाम का शौक 6 बज रहा है और 6 बजे ही इतना भीड़ है, और ये भीड़ जो है 9 बजे तक रहता है, ये जो प्रोग्राम है करीबन 10 बजे तक होता है। और यहाँ पे जो फीता है वो काटने आएंगे हमारे सरेकला के राजा जी, जो कि वीडियो में आगे मैं दिखा दूँगा। और एक बार मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ, देखिए मैं वहाँ से एक राउंड फोन को घुमा रहा हूँ, देखिए कितना भीड़ है, देखिए और मंदिर तो आप देख ही लिए हैं। देखिए अभी जो है डांस शुरू हो गया है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो है सरेकला के जो राजा जी हैं वो मंच का उद्घाटन करेंगे। जो भी कहना चाहिए आराम से कार्यक्रम का मजा लीजिए। अभी फीता काट के मंच का उद्घाटन किया जा रहा है, और उद्घाटन हो जाने के बाद फिर से एक नया गाना को पेश किया जाएगा, जो कि आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो में बने रहे तो काफ़ी मज़ा आएगा। कार्यक्रम चालू होगा, राजा साहब उद्घाटन कर रहे हैं, तालियों से स्वागत कीजिए राजा साहब का और इस कलाकारों का, इस मंच का। और अभी उद्घाटन का कार्यक्रम समाप्त हो गया।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इस बार चेहरा नहीं दिया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।